तो इसमें होगा ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी, इट इज देन पास नॉर्मली थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट्स मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. इट मूव्स हैव मूव्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस टू आर इफ इट वर इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ. इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वी का. ठीक है, मान लो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच, ये दो लाइन ले ली, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया, वी के इक्वल. और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है ई का, हाइयर टू लोअर अगर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कितनी बढ़ जाती है, के की वैल्यू क्यू डेल्टा वी के इक्वल इतनी बढ़ जाती है. अगर जितना भी चार्ज होगा ई, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई डेल्टा भी हो जाएगा, प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा क्यू डेल्टा भी. तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू वी के इक्वल. मानते हो इस बात को, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. ठीक है, बढ़ेगी कि अगर वो क्या करा, हाइयर टू लोअर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाती है, क्यू डेल्टा वी के. और लोअर टू हाइयर मूव करता है तो डिक्रीज हो जाती है, कितनी डिक्रीज हो जाती है, क्यू डेल्टा वी के. ये बात पढ़ी थी. अब इसने ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस वी से मूव कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल एंड पास नॉर्मली थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहाँ से ऐसे मूव करेगा और ऐसे ही सर्कुलर पाथ बनाएगा. ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, पहले रेडियस आर था अब रेडियस टू आर कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए ये पूछा गया है. पहले वी था पोटेंशियल डिफरेंस, तो आर के रेडियस से मूव कर रहा था, अब जो रेडियस टू आर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पूछा गया है. देखो, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में वो होता है रूट टू एम के बाय में क्यू बी. मानते हो इस बात को. अभी टू भी सेम है, एम भी कॉन्स्टेंट है, क्यू भी सेम है, दोनों के लिए बी भी सेम है, तो जो ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के हो गया कि नहीं. और के को क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू वी, वी सेम हो गया, यानी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी हो गया. पहले रेडियस आर था, पोटेंशियल डिफरेंस वी था, अब रेडियस टू आर हो गया, डबल कब होगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चार गुना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस चार गुना होगा तभी रेडियस डबल होगा. यहाँ पे अगर वी की जगह फोर बी कर दूँ तो आर कितना हो जाएगा, टू आर, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, फोर बी. ये कंसेप्ट था, बस ये ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करवा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी हो जाती है. जो फॉर्मूला है एम वी बाई क्यू बी, इसमें वी वेलोसिटी है. हाँ, मोमेंटम है वो, एम वी बाई क्यू बी को पी लिख सकते हो, पी वहाँ पे मोमेंटम होता है, वी वेलोसिटी है, यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको क्यू डेल्टा वी लिखा है, और पी को रूट टू एम के लिख सकते हैं. रेडियस के तीन फॉर्मूले होते हैं, एम वी बाई में क्यू बी, R इक्वल टू एम वी को लिख सकते हो P बाई क्यू बी, और P को लिख सकते हो रूट टू एम के बाई क्यू बी, और K को लिख सकते हो क्यू वी के इक्वल. आगे समझ, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर रेडियस डबल होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा, चार गुना.